हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं हूँ अपनी सोसाइटी में, बीच में अपार्टमेंट्स। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था समर के टाइम की, और मैंने बोला था कि मैं विंटर में भी एक वीडियो बनाऊंगी जब स्नोफॉल होगा। तो वो टाइम आ गया है जब यहाँ स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, और अभी तो ये स्टार्टिंग का स्नोफॉल है, बट मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं सोची चलो यार बना लेती हूँ वीडियो। स्टिल अभी तो बहुत बर्फ़ बाकी है, बट फिर भी मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी ये सोसाइटी। मैं पहले आपको इधर दिखा देती हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वही गाड़ी का शोरूम्स वगैरह है, और वो रहा मेन रोड हमारा, और इधर हमारी सोसाइटी। तो ये है गाइस बीच में, जहाँ पहले यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, बट अब नहीं है क्योंकि अभी तो बर्फबारी हो रहा है। अब आप देखो यहाँ से हमारी सोसाइटी का व्यू। ये तो गाइस अभी रोड पर भी काफ़ी बर्फ़ जमे हुए थे, बट गाड़ियाँ आ जा रही है तो इस वजह से रोड की बर्फ़ थोड़ी कम हो गई है, बट मैं आपको फिर भी साइड की दिखा रही हूँ। मैं सुबह जब से उठी हूँ ना, मैं इधर ही देख रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक तो स्नो वाइट वाइट और ऊपर से ये धूप ऐसे मतलब डायमंड की तरह ये चमक रहे थे, और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो गाइस, यहाँ फ्रिज वार्निंग भी दे करके रखा हुआ है कि हमें अपने घर के नल को थोड़ा सा ऐसे खोल के रखना है कि उसमें से एक एक बूंद करके पानी गिरता रहे, नहीं तो वो पूरा पानी भी फ्रिज हो जाएगा। और हमें हीटर भी अपने घर का बंद नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, 24 आवर्स ऑन। चलो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी यहाँ का टेम्परेचर कितना है, आप गेस कर सकते हो। चलो मैं बता देती हूँ, यहाँ है अभी -18 degree टेम्परेचर। पहले मैं दिखा दूँ कि वो हमारा बीच मिल का ऑफिस है, मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। मैं अभी अंदर नहीं जाऊँगी, मैं आपको बाहर से ही दिखाती हूँ। भाई ये हमारा जिम, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, और सामने हमारा टेनिस कोर्ट है, और इधर तो लगता है कोई चल के भी नहीं आया है, सिर्फ मैं चल रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, जितना मज़ेदार है ना उससे ज़्यादा ठंड है। मतलब -18 degree पता है कितना ज़्यादा होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि -18 degree बस टेम्परेचर है, बट इट फील्स लाइक -30 degree, और सच में ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं पूरे कपड़े पहन कर आई हूँ, बस मेरा फेस में कुछ भी नहीं ढका हुआ, और मेरे फेस में ऐसा लग रहा है कि जैसे फट जाएगा मेरा फेस ठंड से। मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँगी, भागूँगी घर। चलो मैं आपको लेक दिखाती हूँ कि लेक कितना अच्छा लग रहा है अभी। तो हम आ गए हैं लेक के साइड। वैसे तो अभी जितना स्नो है ना, इससे कहीं ज़्यादा स्नो होने वाला है, बट मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मुझे लगा नहीं नहीं बना लेते हैं वीडियो। ये देखो, वाह, मैं खुद भी नहीं आई थी इससे पहले यहाँ लेक के पास। लेक को तो देखो कितना ज़्यादा चमक रहा है, और वो पूरा फ्रीज हो गया होगा गाइस। मैं थोड़ा पास जाके आपको दिखाती हूँ, बस मैं गिरूँ नहीं इसमें। मेरे पास अगर कोई स्टिक हो तो मैं ऐसे टैप करके भी दिखा दूँगी, यहीं पर है स्टिक। तो यहाँ एक स्टिक दिख रहा है, इतना ज़्यादा हवा भाई, एक तो ठंड, ऊपर से हवा। ये देखो, मैं डर से नीचे नहीं जा रही हूँ कि क्या पता अगर कहीं पर वो ब्रेकेबल हो तो मैं अंदर ही चली जाऊंगी। देखा आपने लेक का हालत, देखो कोई पत्थर भी फेंक दूँ ना तो वो फिर भी ना टूटे। बट ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है यार। ओके, तो चलते यार बैग, क्योंकि मैंने एक हाथ में ग्लव्स डाल रखे हैं और एक हाथ में मैं ग्लव्स नहीं पहनी हूँ, ताकि मैं फ़ोन को थोड़ा ऑपरेट कर सकूँ, बट वो हाथ मेरा ऐसा लग रहा है कि अब कट के गिर जाएगा सीरियसली। ये देखो मैं जो आई हूँ,
गाड़ियों पर भी बहुत बर्फ जमे हुए थे, इन्होंने अपनी गाड़ी निकाली होगी, कहीं गए होंगे इसलिए अभी गाड़ी में बर्फ है। तो आगे हम टेनिस कोर्ट के पास, मैं आपको टेनिस कोर्ट अंदर से दिखाती हूँ, इतना सुंदर वाइट वाइट सब पूरा, ऐसा लग रहा है वाइट स्नो का किसी ने चादर बिछा दिया हो। और अब मुझे बहुत ठंड लग रही है, अब मैं नहीं रह पाऊँगी बाहर, बट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो मेरे तो ग्लव्स के अंदर भी हवा घुस रहा है, पता नहीं किधर से। ओ भाई, तो गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो और हमारी सोसाइटी, आपको विंटर में ज़्यादा अच्छा लगा या फिर समर में अच्छा लगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताना, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो भी मुझे बताना। तो मैं आ गई हूँ अपने घर के पास, गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and thanks for watching.